उत्तर और पूर्वी भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का सिलसिला जारी है। कई राज्य अगस्त महीने में औसत बारिश का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन बरसात अभी भी जारी रहने वाली है। दिल्ली, यूपी समेत हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में मानसून बरसात जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते मानसूनी बारिश से कोई राहत की उम्मीद नहीं जताई है। तो आइए जानते हैं आज देश भर में कैसा रहेगा आज का मौसम। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ मंगलवार को रुक रुक कर बारिश हुई है और अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम यानी कि 33.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने सावधान रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिनों में स्थिति खराब होने की संभावना जताई गई है, यानी दिल्ली में एक बार फिर जल भराव की स्थिति के साथ यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 33 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज यानी 14 अगस्त हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, तटीय तमिलनाडु, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में लगातार 3रे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज 4थे दिन भी बारिश के आसार जताए गए हैं। राज्य में रविवार और सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ हिस्सों में खासकर पूर्वी राजस्थान में मंगलवार को भारी बारिश हुई, लेकिन कहीं से भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। इस बीच बुधवार को भरतपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में गुरुवार और शुक्रवार को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश में 213 सड़कें बंद हो गई हैं और स्थानीय मौसम कार्यालय 19 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में अधिक भारी बारिश होने के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शनिवार तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। ANP टाइम्स रिपोर्ट।